भाजपा विधायक पूर्व नपा अध्यक्ष सहित कई नागरिकों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ चलाई गई फर्जी चैट मामले में पुलिस ने भाजयुमो जिला अध्यक्ष एवं एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही आम नागरिकों ने भी थाने का घेराव करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पवन शर्मा और भावेश कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये कस्बा रचेगढ़ में वायरल जो मैसेज चल रहे हैं राजनेताओं के खिलाफ में या गणमान्य लोग खिलाफ में जो वायरल चल रहा था, इस संबंध में तमाम मेरे पास आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर राजेश सोलंकी के द्वारा कराई गई और पाया गया कि इसमें भावेश के द्वारा पवन शर्मा को मैसेज भेजे गए और पवन शर्मा द्वारा रूपेश को मैसेज किया गया था। प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि धारा 505 का अपराध इसमें घटित हुआ है, अतः अपराध प्रमाण 26 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आगे हम सीधे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अलग 5 हजार अभी जस्ट अभी अपराध पंजीबद्ध किया है तो विवेचना का पार्ट है, ये सब की जाएगी। तो ये विवेचना पे डिपेंड करता है कि आगे कैसे साक्षी मिलते हैं, उस आधार पे अग्रिम कार्रवाई की जाती है। कार्यकर्ताओं ने भी अब इस मामले में पार्टी की ओर से कार्रवाई करने की बात कही है। इतना ही नहीं, पार्टी कार्यकर्ताओं की माने तो अपराधी किसी भी दल या पार्टी का नहीं होता है। 7 दिवस पूर्व थाना नरसिंहगढ़ को भारतीय जनता पार्टी मंडल नरसिंहगढ़ की ओर से एक आवेदन दिया गया था, जिसमें सम्मानीय विधायक जी श्रीमंत महाराज साहब राजवर्धन सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय मोहन शर्मा जी, नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती उर्मिला राजेंद्र उपाध्याय जी को लेकर समाज में व्हाट्सएप चैट्स के माध्यम से कुछ अश्लील अभद्र टिप्पणीजनक मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे थे, जिसको लेकर थाना नरसिंहगढ़ में मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था। थाना नरसिंहगढ़ के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसमें अभी कई और विवेचना होना है, कई और नाम सामने निकल कर आएंगे, ऐसी पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया है। हमारा भी पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग है, समाज में शांति बनी रहेगी, समाज में किसी भी प्रकार का कोई उपद्रवी माहौल उत्पन्न नहीं होगा, इस बात की हम खुद पुलिस प्रशासन को इस चीज़ के लिए आश्वस्त करते हैं। लेकिन हमारा अंतिम कथन यही है कि पुलिस प्रशासन और भी जो भी दोषी हैं सभी के ऊपर कार्रवाई करे, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए, क्योंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है अपितु एक महिला के सम्मान की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नारी सम्मान के लिए सबसे अग्रणी रूप में आंदोलन करे हैं। नारियों के सम्मान के लिए सदैव भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे रही है और इसी परंपरा को निभाते हुए आज मेरे द्वारा ये आवेदन दिया गया था, जिस पर कार्रवाई हुई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्टी का विषय है, इस पर पार्टी कार्रवाई करेगी और अपराधी किसी भी पार्टी का नहीं होता है, पहली बात तो। और अभी FIR दर्ज हुई है, अपराधी कोर्ट और न्यायालय के माध्यम से सिद्ध होगा, जो भी एविडेंस रहे कानून के द्वारा वो प्रस्तुत होंगे और जो भी अपराधी होंगे उनको सजा प्राप्त होगी। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और संगठन आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ ठोस कदम उठाता है। MP News के लिए नरसिंहगढ़ से विशाल सोनी की रिपोर्ट।